नमस्कार दोस्तों, अल्टीमेट हेल्थ एंड होम रेमेडीज चैनल में आप सभी का स्वागत है। अल्टीमेट हेल्थ एंड होम रेमेडीज आपकी सेहत का ख्याल बखूबी रखता है। दोस्तों, सिर्फ कमर की साइज पर ही फोकस नहीं करें, अपने ग्लूट्स की साइज पर भी फोकस करें, क्योंकि ग्लूट्स का भी टोंड होना और उसकी साइज का फिट होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो आज ही अपने मेजरमेंट मीटर से हिप्स की साइज जो है वो मेज़र कर लीजिए कि आप लोगों के थाइज और हिप्स की साइज कितनी है। वो मेंटेन रखना आप लोगों के लिए है, और कौन कौन सी एक्सरसाइज उसमें बेहतरीन साबित हो सकती है आज मैं वो आप लोगों को बताऊंगा, ताकि आप लोगों के ग्लूट्स जो है वो टोंड बन सके और आप भी अपने ग्लूट्स को एक अच्छी शेप दे सकें। अगर आप लोग चाहते हैं अपने ग्लूट्स को एक अच्छी शेप देना, उसे सही फिट रखना, तो आप लोग ये एक्सरसाइज जो आज मैं इसमें बता रहा हूँ वो एक्सरसाइज कर लीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहली एक्सरसाइज की बात करते हैं। इस एक्सरसाइज में आप लोगों को सीधा खड़े हो जाना है अपनी योगा मैट के ऊपर। उसके बाद में अपने राइट लेग से एक हाफ सर्किल, हम लोग कहेंगे हाफ सर्किल जो है, या फुल सर्किल जो है अपने लेफ्ट लेग से और राइट लेग से बनाएं। इससे आप लोगों के जो ग्लूट्स हैं वो बहुत ज़्यादा टोंड बनेंगे और एक गोल शेप में आने लग जाएंगे। तो दोनों हाथों को फैला लें और अपने राइट लेग से जो है वो एक पूरा का पूरा सर्किल एंटी क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज बनाएं। इससे आप लोगों के ग्लूट्स की मसल्स जो हैं वो वर्क करने लग जाती हैं, और वर्क करने के बाद उन पर जो जमा हुआ फैट है वो बाहर निकलने लग जाता है। तो ये बहुत अच्छी एक्सरसाइज है, इसको आप लोगों को दोनों पैरों के साथ ज़रूर करना चाहिए। उसके बाद में आ जाती है आप लोगों के पास एक हेल्दी टिप्स, और टिप्स यही है, अपने आप को खूबसूरत बनाना है तो वर्कआउट करना स्टार्ट कर दीजिए। 10 सेकंड का रेस्टिंग टाइम खत्म होता है। फायर हाइड्रेंट विद बैक किक के साथ हम लोग जो है ग्लूट की एक्सरसाइज करते हैं। दूसरी एक्सरसाइज के साथ इसको भी आप लोगों को 40 सेकंड के लिए करना है, और ये एक्सरसाइज आप लोगों के मीडियस और मैक्सिमस मसल्स पर बहुत ज़्यादा फोकस रखती है। इसीलिए ग्लूट्स पर आप लोगों को बहुत बार ऐसा होता है कि आप लोगों के ग्लूट्स में दर्द होने लगता है, बैठते समय दर्द होने लगता है। तो ये एक्सरसाइजेस जो हैं, जो आप लोगों को बता रहा हूँ, वो आप लोगों के ग्लूट्स का ध्यान रखती हैं, उन्हें टोंड बनाती हैं, मसल्स को लीन करती हैं। तो आप लोग भी जो है टेबल टॉप पोजीशन में आकर जो है पहले हाइड्रेंट करें, फिर बैक किक लगाएं, फिर हाइड्रेंट करें, फिर बैक किक लगाएं। ये एक एक्सरसाइज जो है वो बेहतरीन एक्सरसाइज इसमें मानी जाती है ग्लूट्स के लिए। दो एक्सरसाइज खत्म हो चुकी हैं। तीसरी एक्सरसाइज पर जाने से पहले रेस्टिंग टाइम आप लोगों के लिए है 10 सेकंड का। 10 सेकंड का भी रेस्टिंग टाइम जो है वो ओवर हो चुका है। अब नेक्स्ट यानी कि थर्ड एक्सरसाइज के लिए हम लोग चलते हैं। लेफ्ट लेग के साथ जो है आप लोगों को फायर हाइड्रेंट विद बैक किक करना है, और फायर हाइड्रेंट बैक विद बैक किक जो है, जैसा कि मैंने आप लोगों को बोला कि मीडियस और मैक्सिमस मसल्स पर बहुत ज़्यादा फोकस रखता है। तो ये एक्सरसाइज जो है आप लोगों के ग्लूट्स को बहुत अधिक टोंड बनाने का काम करती है, और साथ ही आप लोगों को देती है एक अच्छा सा फिगर। इवन आप लोगों के जो साइड की जो सर्वी है बैली के, वो भी रिड्यूस करने का काम करती है, और आप लोगों को एक देती है एक अच्छा सा सुंदर सा फिगर और एक अच्छी फिश शेप। तो ये एक्सरसाइज आप लोग अपने गार्डन में कर सकते हैं, अपने घर पर कर सकते हैं, कहीं पर भी। तो तीन एक्सरसाइज जो है ख़त्म हो चुकी हैं, और उसके बाद में आता है रेस्टिंग टाइम। इसमें आप लोगों को सिर्फ और सिर्फ रेस्ट करना है। 10 सेकंड में आप लोगों की मांसपेशियां जो है वो मजबूत होने लग जाएंगी और उन्हें रिकवर होने का टाइम मिल जाएगा। फोर्थ वर्कआउट पर बात करते हैं हम लोग। फोर्थ वर्कआउट भी आप लोगों के लिए है स्क्वाट विद साइड किक। स्क्वाट विद साइड किक में भी आप लोगों को ये देखने को मिलेगा कि आप लोग जो है एक बेहतरीन वर्कआउट कर रहे हैं। इसमें आप लोगों को कैसे करना है, दोनों हाथों को जोड़कर आप लोगों को अपने चेस्ट के सामने लेकर आना है। उसके बाद में नीचे की ओर बैठना है। ध्यान रखिएगा, आप लोगों को अपने घुटने से ऊपर ही बैठना है, नीचे नहीं बैठना है। अब आप लोगों को क्या करना है, जब आप लोग खड़े हों तो आप लोगों को साइड में पैर को किक लगाना है, और इसमें आप लोग देख रहे हैं कि राइट पैर जो है वो काम में आ रहा है। अगर आप लोगों को यही सेम एक्सरसाइज आप लोगों को किससे करनी है, लेफ्ट लेग के साथ भी करनी है, ताकि एक ग्लूट्स की एक्सरसाइज हो जाए तो दूसरी ग्लूट्स की एक्सरसाइज भी कम्प्लीट हो जाए। तो ये वर्कआउट भी कम्प्लीट होता है, और उसके बाद में हम चलते हैं रेस्टिंग टाइम के ऊपर। और रेस्टिंग टाइम चल रहा है, और रेस्टिंग टाइम भी ओवर होने वाला है। ये रेस्टिंग टाइम ओवर हो गया, अब हम लोग लेते हैं नेक्स्ट लेग को, यानी कि आप लोगों के लेफ्ट लेग को। इसमें भी आप लोगों को क्या करना है, दोनों हाथों को चेस्ट के सामने जोड़ना है और अपने स्क्वाट पोजीशन लेनी है। स्क्वाट भी आप लोगों को ध्यान रखना है कि घुटने से ऊपर ही हो, और फिर साइड किक लगाना है। तो इससे आप लोगों के क्या होगा, ग्लूट्स की भी एक्सरसाइज हो जाएगी, आप लोगों के थाइज़ की एक्सरसाइज भी हो जाएगी, और आप लोगों की ओवरऑल बॉडी में एक स्क्वाट एक्सरसाइज भी ऐड हो जाएगी, जिससे आप लोगों की पूरी बॉडी हेल्दी रहती है। तो अगर आप लोगों को मांसपेशियों को लीन बनाना है, मसल्स को लीन बनाना है, और मसल्स को मजबूत बनाना है, तो ये एक्सरसाइज भी आप लोग जोड़ सकते हैं अपने ग्लूट्स को बेहतरीन बनाने के लिए, सुंदर बनाने के लिए। बहुत अच्छी एक्सरसाइजेस में काउंट किया जाता है। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट वर्कआउट पर। जाने से पहले रेस्टिंग टाइम ले लेते हैं थोड़ा सा। रेस्ट जो है वो 10 सेकंड का है आप लोगों के लिए। काउंटर आप लोगों की स्क्रीन पर है।
नेक्स्ट जो ग्लूट के लिए है वो बेहतरीन वर्कआउट है ब्रिज विद ओपनर एक्सरसाइज। ब्रिज विद ओपनर एक्सरसाइज में आप लोगों को क्या करना होता है, योगा मैट पर आप लोग जो है पीठ के बल जो है वो लेट जाइए। अब अपने दोनों हाथों को जांघ अपने हिप्स से दूर रखिए थोड़ा सा। अब इसमें क्या करना है आप लोगों को, पहले सबसे पहले ब्रिज करना है। तो ब्रिज करने के लिए आप लोगों को क्या करना है, अपने हिप्स को ऊपर की ओर स्क्वीज करना है, जितना आप लोग स्क्वीज कर सके उतना स्क्वीज करें। और दोनों पैरों के बीच में आप लोगों के पास रिस्ट्रिक्टेड बैंड है, तो इसमें क्या होगा, ये जब आप लोग हिप्स को ओपन करेंगे यानी दोनों पैरों को जब फैलाएंगे तो ये आप लोगों को बाइंड करेगा, बांधेगा। तो ये बहुत अच्छी एक्सरसाइज है हिप ओपनर के लिए। अब ये एक्सरसाइज भी कंप्लीट हो चुकी है, आप लोगों के पास आ चुका है रेस्टिंग टाइम। तो आप लोग जो है 10 सेकंड का आप लोगों को रेस्ट मिलता है, 10 सेकंड का रेस्ट कीजिए। नेक्स्ट वर्कआउट में हम लोग चलते हैं, एक बेहतरीन वर्कआउट है टी रोटेशन बनाने का। और इसमें आप लोग जो है देखिएगा कि आप लोग जो है इसमें कैसे करना है, इस एक्सरसाइज को पहले ये देख लीजिए। इस एक्सरसाइज में आप लोगों का जो घुटना है यानी कि लेफ्ट राइट लेग का जो घुटना है वो आप लोगों का सरफेस पर रहेगा, योगा मैट पर रहेगा। एक हाथ जो राइट हैंड है उसकी कोहनी के बेस पर आप लोगों को रहना है, यानी कि राइट लेग के घुटने के बेस पर और आप लोगों को राइट हैंड के कोहनी के बेस पर आप लोगों को रहना है। एक पैर जो है यानी कि लेफ्ट लेग आप लोगों का सीधा रहेगा, दूसरे हाथ से आप लोगों को पहले हाथ की ओर लेकर जाना है, फिर टी रोटेशन बनाना है, फिर आप लोगों को ट्विस्ट करना है। तो ये कंप्लीट वर्कआउट है आप लोगों के लिए। और अब आ चुका है आप लोगों के पास रेस्टिंग टाइम, तो 10 सेकंड का आप लोगों को रेस्ट मिलता है, रेस्ट जरूर करें। उसके बाद में हम लोग चलते हैं नेक्स्ट वर्कआउट के ऊपर। इसी वर्कआउट के ऊपर आप लोग देखिए, फोकस कीजिए, ये वर्कआउट आप लोगों के लिए बहुत अधिक बेहतरीन है। इसमें आप लोगों का देखिए राइट लेग जो है वो आप लोगों का घुटना है। इसमें आप लोगों को क्या करना है, टी रोटेशन करना है, साथ ही आप लोगों को अपने लेग्स को टैप भी करना है। जब आप लोग अपने लेग्स को टैप करेंगे तो आप लोग देखें कि आप लोग अपने लेग्स को 90 डिग्री पर उठाने की कोशिश कर रहे हैं, जिससे आप लोगों के हिप्स पर ज़्यादा फोकस पड़ता है। और ज़्यादा वर्कआउट अगर आप लोगों के हिप्स करते हैं तो वो आप अंदर ही अंदर जो है स्क्वीज होते हैं। स्क्वीज होने का मतलब है कि बाहरी फैट का रिड्यूस हो जाना, जिसे हम लोग सब कंटीन्यूअस फैट, विसरल फैट बोलते हैं। और बेसिकली स्टबबर्न फैट जो होता है जैसे कि सेल्यूलाइट है, वो भी रिड्यूस होने लगता है। तो हिप्स का जो फैट है अगर आप लोगों को उसे रिड्यूस करना है, अपने आप की बॉडी को फिट रखना है, हेल्दी रखना है, तो ये सभी वर्कआउट आप लोगों के लिए ज़रूरी है। रेस्टिंग टाइम चल रहा है, रेस्ट खत्म हो चुका है, अब कर लेते हैं बेहतरीन वर्कआउट हिप ट्विस्ट एक्सरसाइज। और ये बहुत ही अच्छी एक्सरसाइज है आप लोगों के एब्स मसल्स के लिए, आप लोगों के हिप्स मसल्स के लिए, और आप लोगों को एक बॉडी शेप को शेप देने के लिए। बॉडी को अगर आप लोग एक अच्छी शेप देना चाहते हैं तो ये बेहतरीन वर्कआउट जो है वो माना जाता है। और आप लोगों की जो कमर की जो साइज़ है वो कम कर देगा, और आप लोगों के जो हिप्स के भी जो वाइडर है वो भी बना देगा। तो ये बहुत ही बेहतरीन एक्सरसाइज है, इसको आप लोगों को ज़रूर करना चाहिए। इसमें आप लोग सबसे पहले प्लैंक पोजिशन लें, और उसके बाद में आप लोग जो है अपने पंजों को जस्ट टर्न करें, तो अपने हिप्स को अपने आप ही टर्न हो जाएगा। आप लोगों को अपने हाथों को हिलाना नहीं है, अपनी उड़ान को ऊंचा बनाइए, और अपने दृढ़ निश्चय यानी कि संकल्प लीजिए कि आप लोगों को अपने बॉडी को टोन बनाना ही होगा, मसल्स को मजबूत करना ही होगा। ये बेहतरीन वर्कआउट हम लोग साइड प्लैंक विद क्रंच कर लेते हैं, और ये भी आप लोगों के हिप्स के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी एक्सरसाइज है। उसे हिप्स को टोन बनाने या हम लोग कहें ग्लूट मसल्स को, मेडियस एंड मैक्सिमस मसल्स को टोन बनाने के लिए। तो अगर आप लोग चाहते हैं अपने ग्लूट मसल्स को टोन बनाना तो ये वर्कआउट भी अपने वर्कआउट्स में शामिल कर लीजिए। इसके लिए आप लोगों को क्या करना है, लेफ्ट हैंड की कोहनी के बेस पर और लेफ्ट लेग के आप लोगों के पंजों के ऊपर आप लोगों को रहना है। अब आप लोगों को राइट लेग को क्या करना है, घुटना मोड़ते हुए जो है हाथ की कोहनी, उसी हाथ की कोहनी से टच करना है। तो इससे आप लोग देखिए कि जो कमर की जो साइड की जरबी है वो रिड्यूस हो जाएगी और हिप्स टोन हो जाएंगे। तो बहुत अच्छी एक्सरसाइज है, इसे आप लोगों को ज़रूर शामिल करना चाहिए। ये सभी वर्कआउट्स आप लोग कीजिए, मैं आप लोगों को विश्वास दिलाता हूं कि सभी वर्कआउट्स आप लोगों के ग्लूट्स के लिए बहुत अच्छे हैं। धन्यवाद।